हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर के आई हूँ, जिसे देखकर आप सोचेंगे काश मुझे पहले पता होता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली टिप इस तरह के शॉपिंग बैग को लेकर के है। अक्सर इस तरह के शॉपिंग बैग हम लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं तो मिल ही जाते हैं और हम लोग इसको उठाकर फेंक देते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा इसका यूज बताती हूँ। मार्केट में इस तरह के बैग हम लोग को आसानी से मिल जाते हैं, तो आप लोग इसको बिल्कुल मत फेंकेगा। तो यहाँ पर अक्सर हम लोग जब शादी पार्टी में कहीं जाते हैं तो हम लोग मेकअप करते हैं, तो उस मेकअप को हम लोग रिमूव करने के लिए मार्केट से बहुत महंगे मेकअप रिमूवर मिलते हैं, जो हम लोग को बहुत ही महंगे पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि मेकअप रिमूवर हम लोग बिल्कुल फ्री कॉस्ट में अपने घर में आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखे इस बैग के छोटे पीस काट लिया है, करीबन यहाँ पे मैं 30 या 35 पीसेस इसके काट लूंगी कैंची की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने देखे इस बैग का छोटा सा कोना मैंने काटा था, तो मैं कटोरी की सहायता से बिल्कुल इसको गोल काट लूंगी पीसेस। आपको बिल्कुल गोल पीस काटने हैं तभी वो ज्यादा अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे मैं कैंची की हेल्प से सारे पीस गोल गोल काट लूंगी, करीबन आप 30 से 35 पीस जरूर काट लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ताकि हम लोग की ये काफी दिन तक चल सके। यहाँ पे पीसेस अच्छे से कट गए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लेंगे एक बॉक्स। यहाँ पे मैंने क्रीम का बॉक्स लिया है, ये खाली हो चुका था, तो यहाँ पे ज्यादा बड़ा बॉक्स यूज नहीं करना है, छोटा सा बॉक्स यूज करना है जिसका ढक्कन अच्छे से टाइटली बंद हो जाए। और जितने पीसेस हम लोग ने बैग के काटे थे वो इसी बॉक्स में हम लोग रख देंगे। अब हम लोग को एक चीज और करना है, मेकअप रिमूवर को जो हम लोग बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग एक मिक्सचर तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया 1 चम्मच नारियल का तेल, आप लोग कोई भी ले सकती हैं। नारियल तेल मैंने यहाँ पे लिया, 1/2 चम्मच मैंने लिया ग्लिसरीन, और उसके बाद मैं यहाँ पे लूंगी 2 चम्मच गुलाब जल। आप इन चीजों को इन्हीं मात्रा में लेना है। अगर 1 चम्मच गरी का तेल है तो 1/2 चम्मच ग्लिसरीन और 2 चम्मच गुलाब जल। इन सभी चीजों को आप लोग चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा कसके, ताकि ये अच्छे से तीनों चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद जो हम लोग ने बॉक्स में जो पीस काट के रखे हैं गोल, उसी में हम लोग इस मिक्सचर को डाल देंगे। ये देखिए, थोड़ी देर में आप देखेंगे ये जितना भी मिक्सचर हम लोग इसमें डालेंगे पीसेस में, तो ये अच्छे से सोख जाएगा। और हम लोग का ये देखिए मेकअप रिमूवर बहुत ही अच्छे से घर पे जीरो कॉस्ट में तैयार हो गया है। नारियल का तेल और ग्लिसरीन और गुलाब जल सभी के घरों में आसानी से मिल जाता है। अब देखिए, करीबन 5 मिनट के बाद यहाँ पे ये हम लोग का बहुत ही अच्छे से मेकअप रिमूवर तैयार हो गया। अच्छा से यहाँ देखिए, मैं आपको कितने पीसेस दिखा रही हूँ, यहाँ करीबन 35 से 40 पीस मैंने काट लिए हैं, और ये काफी दिन तक हम लोग का चलेगा। हम लोग को कोई भी मार्केट से कोई भी मेकअप रिमूवर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत ही आसानी से हम लोग घर पर बना लेंगे। ना इसमें ज्यादा टाइम लगता है और ना ज्यादा ही देर लगती है। तो बस यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर हम लोग लिपस्टिक लगा के दिखा रहे हैं। जब अक्सर लिपस्टिक हम लोग लगाते थे उसको छुटाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, क्रीम वगैरह या फाउंडेशन वगैरह फेस पे लगाते हैं उसको भी छुटाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक पीस ले लिया है और देखिए कितने अच्छे से ये साफ करेगा। सिर्फ एक बार मैं हल्का सा रगड़ूंगी और ये साफ हो जाएगा, ये देखिए। तो इस तरह से आप जब कभी मेकअप आपको छुड़ाना हो तो आप लोग बहुत ही आसानी से इसको घर पे बना लेंगी, और ये बहुत ही आसानी से छूट जाता है और बहुत ही यूजफुल है। आप लोग अपने घर में इस तरह से मेकअप रिमूवर बना के रख लीजिए, ताकि हम लोग को कोई भी मार्केट से मेकअप रिमूवर खरीदने की जरूरत ना पड़े। ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है, आप लोग जरूर इसको यूज करिएगा। मेरी अगली टिप बैग को लेकर के है। हम लोग मार्केट वगैरह जाते हैं या बाहर घूमने जाते हैं तो अपने बैग में ही सारे सामान रखते हैं, चाहे वो मोबाइल हो या रुपया पैसा कुछ भी हो, जरूरी चीजें भी हम लोग इसी बैग में रखते हैं। लेकिन ज्यादातर चोरी वगैरह बाहर सफर में हो जाती है या मार्केट में भी हम लोग के बैग में चोरियां हो जाती हैं खुलकर, तो ये सब चैन से होता है। तो यहाँ पर हम लोग चैन ना खुले इसके लिए एक सेफ्टी पिन लेंगे, और इस तरह से ये देखिए यहाँ पे 2 चैन है, तो हम लोग दोनों चैन में इस तरह से सेफ्टी पिन इस तरह लगा देंगे और उसको सेफ्टी पिन लॉक कर देंगे अच्छे से। इससे ये होगा कि दोनों चैने हैं हम लोग की बिल्कुल भी आगे नहीं जाएंगी, और इस तरह से कोई भी अगर चोर चोरी करना चाहता है बैग से या कोई सामान निकालना चाहता है तो ये चैन बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, हम लोग का बैग बिल्कुल सेफ रहेगा। कहीं हम लोग सफर में घूमने जाएंगे तब भी हम लोग का बैग सेफ रहेगा। जो चीजें हम लोग को निकालनी है तो सेफ्टी पिन खोल के फिर से निकाल के हम लोग इसको अटैच कर सकते हैं।
और उसके बाद मैं आपको और एक आइडिया बताती हूँ, आप लोग अगर इस तरह से लगा सकें या तो फिर हम लोग इस तरह चैन में, ये देखिए दो चैन है, इस तरह से सेफ्टी पिन अंदर करके लॉक कर देंगे, तब भी हम लोग की चैन बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। अगर एक चैन खुलती है तो एक उसको रोक के रखेगी। तो ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है। आगे से आप लोग कहीं घूमने जाती हैं या मार्केट जाती हैं तो इस तरह हम लोग चैन को अच्छे तरह से लॉक कर सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है, इसको जरूर यूज करिएगा। मेरी अगली टिप, यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह का फॉर्म लिया जिससे हम लोग बर्तन वगैरह या क्लीनिंग के लिए इसका यूज करते हैं, जिसमें नीचे स्कॉच ब्राइट लगा होता है, ऊपर से फॉर्म। तो यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छा आपको एक यूज बताऊंगी। यहाँ पे मैंने एक चाकू ले ली है, चाकू की हेल्प से मैं देखे यहाँ पे बीच में सेंटर में इस तरह से इसमें कट कर ले रही हूँ। यहाँ पे हम लोगों को छोटे छोटे कट कर लेने हैं, बिल्कुल इसको अलग नहीं करना है। हम लोगों को इसी तरह का फॉर्म का लेना है जिससे हम लोग बर्तन वॉश करते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से हम लोग सारे पीस इस तरह से कर लेंगे और बिल्कुल नीचे तक कट नहीं लगाना है, खाली फॉर्म में ही कट लगाना है। तो ये देखिए हम लोग का ये इस तरह से अच्छे से तैयार हो गया। अब आपको मैं आगे बताऊंगी बहुत ही अच्छा जुगाड़। इसके दो पीस हम लोग काट देंगे और सिर्फ चार पीस हम लोग इसके रखेंगे। यहाँ पे कैंची की हेल्प से मैं इसके दो पीस हटा दे रही हूँ, हम लोग को ज्यादा बड़ा पीस नहीं चाहिए। तो ये देखिए इसको हमने अच्छे से कट कर दिया है। यहाँ पे अच्छे से कट करने के बाद और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा डंडा। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे कोई लोहे की छड़ ले सकते हैं या कोई प्लास ले सकते हैं, मैं उसका भी यूज आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया रबड़ बैंड, रबड़ बैंड को मैंने इस तरह से अटैच कर लिया। एक रबड़ बैंड और लगाऊंगी मैं यहाँ पे। दो रबड़ बैंड अच्छे से लगाने के बाद ही अच्छे से इसमें लॉक हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल निकलेगा नहीं, ये बिल्कुल सेफ है। उसके बाद हम लोग को कोई कांच की बोतल होती है लंबी, या बच्चे स्कूल में लेके जाते हैं बोतल पीने के लिए, तो वो अंदर से बिल्कुल नहीं साफ होती, चाहे हम लोग जिस तरह से भी साफ करें। तो यहाँ पे मैंने घर में ही जुगाड़ बनाया है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग अंदर कोई भी डिश वॉश डालिए या डिटर्जेंट डालिए, कुछ भी डालिए, उसके बाद देखिए इस तरह से हम लोग इसको अंदर कर देंगे और बहुत ही अच्छे से हम लोग की कोई भी, जिसमें हम लोग का हाथ नहीं पहुंच पाता या ब्रश छोटा पड़ जाता है, तो इस तरह हम लोग ये छोटी सी डंडी लगाकर और इस तरह से अंदर हम लोग बिल्कुल अच्छे से बॉटल वगैरह या और भी कोई पतली चीज है जो अंदर से नहीं साफ हो पाती, हम लोग इसकी हेल्प से बहुत ही अच्छे से साफ कर सकेंगे। यहाँ पे मैं आपको प्लास भी दिखाऊंगी कि अगर आपकी और भी लंबी बॉटल या बड़ी बड़ी बॉटलें होती हैं जो अंदर से नहीं साफ हो पाती, तो यहाँ पे आप लोग प्लास लगा देंगी, आपको एक रबड़ बैंड और लगाना पड़ेगा जिससे ये अच्छे तरह से लॉक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपनी कोई भी बॉटल है या कोई भी ऐसी चीज है जिसको हम लोग ढंग से साफ नहीं कर पाते हैं, इसके यूज से हम लोग बहुत ही अच्छे से साफ कर सकेंगे। तो बस यहीं पे अपनी वीडियो का एंड भी करूंगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बाय।